रामपुर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, जहां 5 दिन में आवारा कुत्तों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में उपचार के लिए इंजेक्शन मौजूद नहीं है, ऐसे में डॉक्टर इंजेक्शन मरीजों से ही मंगवा कर लगा रहे हैं। इंजेक्शन की कीमत 300 से 800 रुपए बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो अस्पताल के ही इंजेक्शन भार मेडिकल स्टोर पर रखकर उनकी पहचान खत्म कर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो है कि इतना बड़ा खेल हो रहा है और जिला प्रशासन इस पूरे माजरे पर चुप्पे साधे हुए है। घटना रामपुर क्षेत्र की है, जहां आवारा खूंखार कुत्तों ने महिलाओं, बच्चों, जवान, बुजुर्गों सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों को काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। वहीं आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां पर लोगों को अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ा, जहां रेबीज का इंजेक्शन जिला अस्पताल में ना दिए जाने की बात कहते हुए लोगों को बाहर से इंजेक्शन लगवाने पड़े। इसके बाद लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आवारा कुत्तों को पकड़ लिए जाने का दावा करते हुए लोगों को समझाया और हालात को काबू किया। बहरहाल रामपुर जिला अस्पताल में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों को इस वक्त रेबीज के इंजेक्शन की जरूरत है, पर जिला अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और नोटिस चस्पा कर डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। अस्पताल के अंदर इंजेक्शन नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और ये लोग क्या कह रहे हैं? सर देखिए, ये मेरा जो है आज 3rd डोज लगना चाहिए था। मैं जब हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पर नोटिस पे लगा हुआ था कि इंजेक्शन समाप्त हो चुके हैं। तो मैंने पूछा कि भाई इंजेक्शन ख़त्म होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी बीमारियां हैं उससे हम लाइफ को बचाया जा सकता है, वेंटिलेटर से भी पेशेंट को लाया जा सकता है, लेकिन इतना सेंसिटिव होता है, इस पर अगर इफेक्ट हो गया बच्चे को या किसी को, पेशेंट को, तो इसको लाइफ में दोबारा रिटेक नहीं है उसका लाइफ में। तो इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दिखाई? दूसरी चीज़, आपका स्टॉक खत्म होने वाला था या होने 5 दिन का स्टॉक रह गया है, तो उससे पहले आपको डिमांड देके मंगवा लेना चाहिए था। आपका बिल्कुल 0/0 हो जाने के बाद आप यहाँ पर नोटिस लगा रहे हो। खाली नोटिस लगाने से मतलब नहीं निकलता है, आप दूसरे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप लोग यहाँ बैठे हो, गवर्नमेंट की पेमेंट ले रहे हो, गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। कितने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो? लोग कहाँ से ले रहे हैं इंजेक्शन? अभी ये लोग तो सारे जो है LP करके, अभी काफ़ी लोग मजदूर आदमी है, ये भैया मजदूर है, इनकी भाई रो रही हैं, किराए के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से बताइए लेंगे? कितने इंजेक्शन बाहर से खरीदा जा रहा है? बाहर का जो मेडिकल है वहाँ पे सब LP कर रहे हैं, ये मतलब ब्लैक में बेच रहे हैं और 800 रुपये 1000 रुपये ऐसा ले रहे हैं इंजेक्शन का। ठीक, तो इस तरीके से गरीब आदमी कैसे करेगा ये? कितने कुत्तों काटा हुआ है यहाँ लगभग? कितने यहाँ पर देखिए, जितने भी खड़े हैं सारे बेटा लगे हो या अपने बच्चों को लगे, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे। आप शिकायत किससे कर रहे हैं आप इसकी? मैं तो ये प्रशासन से करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अगर पेमेंट ले रहे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, खास करके इस तरीके के मैटर को जिसमें लाइफ में रीटेक नहीं है। ठीक, दोबारा वापस नहीं लिया। शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री से? तो ये बिल्कुल जी, क्योंकि मैंने जो है अभी सचिव साहब से भी बात करी थी, उन्होंने बोला कि आप एफिडेविट भेजिए और इमीडिएटली, ये देखिए उन्होंने एड्रेस भी लिखवाया है, मुख्यमंत्री आवास मार्ग 5 कालिदास मार्ग लखनऊ 22601, ये एड्रेस लिखवाया, बोले इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा, आप एप्लीकेशन भेजिए। तो यहाँ पर इतने लोग हैं सारे जो है परेशान हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे खरीदा है आपने? क्या हुआ? अस्पताल के सामने मेडिकल है, वहाँ से खरीदा है ये। क्या हुआ था, किस लिए इंजेक्शन ऐसे काटा था? वहाँ दिल्ली गया था अपोलो में दवा लेने के लिए, वहाँ पे इसी कुत्ते ने काट लिया था, वहाँ के डॉक्टर जैसे उठ गए थे उस टाइम पे, तो वहाँ से चल पड़े थे ये, तो कई कैमरी एक लगवा लेंगे रामपुर। तो अब आपने बाहर अस्पताल से लिया, अस्पताल के बाहर से मेडिकल से लिया है? कितने का इंजेक्शन दिया? ये दिया 350 का। अच्छा, तो ब्लैक से लेना पड़ रहा है इंजेक्शन, अस्पताल में नहीं है? हाँ, अस्पताल में कह रहे हैं खत्म हो गया, पता नहीं कब आएंगे, कल आए, पर कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, 2-3 दिन बाद आएंगे। मोन का लगा है, मतलब मना कर दिया था। ये किसने पर्ची दी है? ये तो अभी मैंने लिखी डॉक्टर साहब ने, मगर ये इंजेक्शन हमारा मोर का लगा 350 का। यहाँ नहीं मिल रहा है? यहाँ नहीं मिल रहा है, टेटनीस तक का नहीं लगाया इंजेक्शन, वो भी मोर का लगा था इस बच्चे के लिए। सिरिंज भी खरीद के मंगवा रहे हैं, सिरिंज भी नहीं है। अस्पताल में कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं लगाएंगे आप इंजेक्शन? 350 रुपये बाहर से खरीदा, यानी ब्लैक करा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.